हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो अब हम करने वाले हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे सभी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाराणा प्रताप का जन्म व मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुई थी, रविवार को कुंभलगढ़ दुर्ग में, और इनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार को हुई थी। ठीक है, और याद रखना है कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा प्रताप के माता पिता के क्या नाम था? महाराणा प्रताप के माता पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह और माता का नाम था जीवंताबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा प्रताप का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो महाराणा प्रताप का विवाह जो है वह अजब देव पवार के साथ हुआ था 1557 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा उदय सिंह जो प्रताप के पिता थे तो उनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में। ठीक है, कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक उनके पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु के दिन ही हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ में महादेव बावड़ी पर हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, अकबर ने नागौर दरबार कब लगवाया? अकबर ने नागौर दरबार कब लगवाया? तो अकबर ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगवाया था, जिसमें अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नागौर दरबार में किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ज्यादातर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कौन से चार दल भेजे थे? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए चार दल भेजे थे, वो दल कौन से थे? तो इसका आंसर है 1572 ईस्वी को जलाल खां को, जून 1573 ईस्वी में आमेर के मानसिंह, अक्टूबर 1573 ईस्वी में ही आमेर के भगवान दास को, और दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को। तो अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जो चार दल भेजे थे वो जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, इनको भेजा था। इन्हें क्रम से ही याद रखना है। तो इसकी एक ट्रिक है, जमा भटो, यानी ज से जलाल, म से मानसिंह, भ से भगवान दास और टा से टोडरमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अजमेर में स्थित किले में संग्रहालय को अंग्रेजों के समय क्या कहा जाने लगा? अजमेर में स्थित किले में संग्रहालय को अंग्रेजों के समय में क्या कहा जाने लगा था? तो इसका सही उत्तर है मैगजीन। क्या कहा जाने लगा? मैगजीन। नेक्स्ट है, अकबर ने राजा मानसिंह को शाही सेना लेकर युद्ध के लिए भेजा था, उस सेना ने अपना पड़ाव कहाँ डाला था? अकबर ने राजा मानसिंह को प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा था कि वो अपनी अधीनता जो है वो स्वीकार करे। तो राजा मानसिंह को शाही सेना लेकर युद्ध के लिए जब भेजा तो उन्होंने कहाँ पर अपना पड़ाव डाला था? तो मुगल सेना ने मांडलगढ़ और खमनौर के मोलेला गांव में राजसमंद में अपना पड़ाव डाला था।
नेक्स्ट है, हल्दी घाटी नामक घाटी में अपना पड़ाव किसने डाला? तो हल्दी घाटी जो नामक घाटी है वहां पर अपना पड़ाव डालने वाले थे महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी किसके मध्य स्थित है? हल्दी घाटी जो घाटी है वह स्थित है गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में। याद रखिएगा, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे कि ग से पहले आता है ख, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में क्या है? हल्दी घाटी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। तो आरबीएससी की बुक में 18 जून है और आपको 21 जून भी देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में ऑप्शन में या तो 18 जून आएगा या 21 जून आएगा, ठीक है? दोनों एक साथ नहीं आएंगे। याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून हुआ था। नेक्स्ट है, राजपूतों में प्रथम आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजपूतों में प्रथम आक्रमण का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है हकीम खां सूर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, मुगलों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हकीम खां सूर वो राजपूतों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। तो मुगलों की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे सेनापति मानसिंह और आसिफ खां। नेक्स्ट है, 17 क्वेश्चन, अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर क्या रखा? तो अकबर ने राम प्रसाद हाथी, उनके हाथी का नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, तो उसका नाम बदलकर अकबर ने क्या रखा? पीर प्रसाद। मानसिंह किस हाथी पर बैठा था? मानसिंह किस हाथी पर बैठा था जो मुगलों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था? तो वह बैठा था मर्दाना हाथी पर, ठीक है? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। नेक्स्ट है, 19 क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हम सभी जानते हैं, चेतक। क्वेश्चन नंबर 20, पहले मोर्चे में जीतने के बाद राजपूत बनास नदी के किनारे वाले मैदान में छिपे, तो उस मैदान को क्या कहते हैं? तो पहले मोर्चे में राजपूत सेना जो थी वो विजयी हुई, तो वो बनास नदी के किनारे वाले मैदान में छुपे, तो उस मैदान को कहते हैं रक्तताल। नेक्स्ट है, 21 क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने राज चिन्ह उतार कर किसे सौंपा? तो महाराणा प्रताप जो थे वो घायल हुए हल्दी घाटी के युद्ध में, तो उन्होंने अपना राज चिन्ह उतार कर दे दिया था सादड़ी के झाला मन्ना को, ठीक है? याद रखिएगा, सादड़ी के झाला मन्ना को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 22, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो चेतक बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और उस वह वीरगति को भी प्राप्त हुआ था, तो चेतक की जो छतरी है वह बलीचा गांव में बनी हुई है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? कहाँ से हमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो यह हमें मिलता है अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से, ठीक है? याद रखना है, अमर काव्य वंशावली ग्रंथ और राज प्रशस्ति से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 24, राज प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में किसने की? तो राज प्रशस्ति की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में की थी रणछोड़ भट्ट ने। याद रखना है, रा से राज प्रशस्ति और रा से ही रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति की रचना करने वाले थे रणछोड़ भट्ट, जो कि संस्कृत भाषा में की। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह एक अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, लेकिन वह नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जो भी दल भेजे वो असफल हुए। इस वजह से महाराणा प्रताप जो है वो अकबर के अधीन उन्होंने नहीं आए, और महाराणा प्रताप ने पूरी तरीके से अकबर की सेना को भी पराजित नहीं किया, तो यह अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने
शहबाज खान को मेवाड़ पर अभियान करने कितनी बार भेजा? तो हल्दीघाटी का युद्ध, उसमें किसी की भी हार या जीत नहीं दिखी हमें। उसके बाद अकबर ने फिर से शहबाज खान को मेवाड़ पर अभियान करने के लिए भेजा, तो उन्होंने यह 3 बार किया। 3 बार शहबाज खान को भेजा, 1577, 1578 और 1579, लेकिन ये 3ों बार ही वह असफल हुआ। क्या हुआ? असफल हुआ। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई कोलियारी गांव को, और यह पड़ता है आवरगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1580 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध किसे भेजा? 1580 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध किसे भेजा? तो अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो दल थे उनको भेजा था। तो 1580 में भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को, जो बैरम खान के पुत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद दिवेर का युद्ध होता है, और यह युद्ध जो है वह 1582 ईस्वी में होता है, और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और मुगलों के मध्य होता है। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवीर के युद्ध को क्या कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने दिवीर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक है, याद रखना है, क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। 31 है, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा? तो हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। दिवीर के युद्ध को क्या कहा? दिवीर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, और हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की धर्मपल्ली। नेक्स्ट है, अकबर का अंतिम अभियान प्रताप के विरुद्ध कौन सा था? अकबर का पहला अभियान जो मैंने ट्रिक के द्वारा बताया आपको, जमा भटो। उसके बाद अकबर का जो अंतिम अभियान था जिसमें उन्होंने प्रताप के विरुद्ध भेजा, आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना है इसको, किसको भेजा? आमेर के राजा भारमल के जो छोटे बेटे थे जगन्नाथ कछवाहा। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी को अपनी आपातकालीन राजधानी किसे बनाया? तो 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने आपातकालीन राजधानी बनाया चावंड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। चावंड में महाराणा प्रताप ने किसका मंदिर बनवाया? चावंड में महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। क्वेश्चन नंबर 35। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु जो थी वो 1597 ईस्वी में हुई थी, और यह चावंड में ही हुई थी, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में। क्वेश्चन नंबर 36। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, और इनकी छतरी चावंड में ही बांडोली गांव में बनी हुई है, जो कि 8 खंभों की छतरी है। तो यहाँ पर हमने महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।